हाँ तो कहेंगे तो दोस्तों आज मेरे साथ थे ये लालू और रणजीत सिंह महला और भूपेंद्र सिंह भूपी, भूपेंद्र सिंह रौतेला भूपी, तो इनको आप जानते ही हैं। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग। अरे यार ये गड़बड़ हो गया। वही तो करो, हमने शुरू छोड़ दिया। नहीं, मैं दूसरे टाइप का ले रहा था, मैं लास्ट का ले रहा था, लास्ट में शुरू वाले में आ गया। ये सही है। हाँ हाँ छोड़ कोई दूसरे टाइप का लगा दिया। तो दोस्तों आज का काम हमने किया है रणजीत सिंह महला जी के शॉप तक का, और इनका गैरेज भी है ये। तो अब धूप बहुत अच्छी आई है, अब ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ पर बैठे रहो आराम से, लेकिन अब क्योंकि 8 बज चुके हैं तो हमको अब आगे भी बढ़ना है। अभी इस छोड़ो तो भाई दोस्तों आज हो गई है थोड़ा, कल से थोड़ा सा देर हो गई है, और क्योंकि आजकल नींद भी काफ़ी हो जा रही है मेरे को, तो आज ऐसा था कि भैया आज रेस्ट कर लो अब थोड़ा, क्योंकि वो 1:30-2 बजे क्या कहते हैं देर में मुझे थोड़ा याद आया कि मेरा जो है एक वीडियो, जब मैं उसमें से अपने मोबाइल को खाली कर रहा था, डिलीट कर रहा था, तो तब बाद में देखा मैंने यार ये गोलू और कैलाश ने जो गाया था भजन कीर्तन, वो तो मैंने डिलीट कर दिए थे। फिर मैंने सोचा कि वो देखा मैंने कि जो हमने जो डाला है वो तो लाइव वाला था, और जो हमने गोप्रो से शूट करा था वो वाला जो है रह गया है। फिर उसको रिस्टोर करा, फिर उसको एडिट करा करा, तो फिर अपलोड करा तो 1:30-2 बज गए। फिर आजकल आप देख रहे हैं ठंडे के दिन हो रहे हैं और नींद भी पूरी नहीं हो रही है, तो इस चक्कर में सुबह नींद आज जो है देर में हुई, मतलब एक बार खुल गई थी 1-2 बार, 3, 3:30, 4 बजे करीब, तो फिर मैं सो गया, और फिर सुबह खुली 6:30-6:15 बजे तब आया मैं। अब मैंने कहा आज तो इधर रणजीत की घड़ी है, ये तो पहुंच ही जाएगा टाइम से, और मैंने कहा ठीक है आज यार राजदा आए नहीं तो फिर उनका जाना ज़रूरी है। ए? हाँ तो इसलिए मैं जो है उनका जाना ज़रूरी है भाई। अब सोच रहा था वहाँ जालली भी रामलीला मेला का था, तो सोच रहा था आप लोगों के लिए रामलीला भी शूट करूँ, तो देखता हूँ तो प्रोग्राम आज पता करते क्या क्या है, नहीं तो रामलीला देखने तो जो भी होगा शूट करने के लिए जा भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं, रणजीत सिंह महला जी हैं, इनका गैरेज है, यहां तक का पहुंचे हुए हैं आज, और इसके बाद हम पहुंचेंगे झिगड़िया बांध पुल तक भी जल्द ही। और मेरे साथ में हैं लालू, रणजीत सिंह महला और भूपेंद्र सिंह रौतेला भूपी, और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे हो रहा है, और इधर भी हमने नीचे की साइड को ये नहर है, इसके पानी के नहर की जो बूल है वो जा रही है, तो इधर तक का हमने साफ कर दिया है, और बिल्कुल सही। अब थोड़ा ये दिखने लग गया एक साइड को, तो हो गया नीचे की तरफ को, ये थोड़ा सा रह गया, इसको मैं नीचे जा करके थोड़ा सा काटूंगा। अभी रणजीत भाई ने जो है बड़े बड़े जो थोड़ा सा मुश्किल होती है वो उड़ा दिए हैं अपने तलवार से, और उनको हम करेंगे अभी और अच्छे से भी साफ।
तो इसलिए जो है इसको पहले कर देते हैं किनारे, जो बड़ा बड़ा जो झाड़ झंकार है ये। तो डायलॉग बात नहीं दोस्तों, थोड़े से समय में काफी मतलब उधर से इधर तक का काफी काम अभी हो गया है, और रणजीत के दुकान से इधर तक हो गया है, और थोड़ा सा ये रहा है इस इलाके को, इसको पहले साफ करते हैं फिर रहेगा आगे को। और भोपे भाई बिल्कुल ऐसे कैमरे के आगे से खड़े हो गए हैं और उधर वीडियो शूट कर रहा हो रहा है, और एक वो हमारे उसमें वो मन्नू परफेक्ट करके आता है, वो कमेंट करता है कि यार भूपी खड़ा रहता है, भूपी खड़ा रहता है करके। अब उसको हम जवाब देते देते थक जा रहे हैं है? क्या है मन्नू परफेक्ट करके मन्नू होगा या तो ये कह रहा हूँ या कोई और है। वो कहता है कि यार भूपी जो ऐसी करता है, ये खड़ा रहता है रोज। हाँ, तभी तो मैंने कहा वो भैया सुबह से आ जाता है और सबसे लास्ट तक का रहता भी और रोज आता है। मैंने कहा एक आदमी आ रहा है, तुम उसको और टेंशन कर दे रहे हो। तो पता चले ओके देखेगा पड़ेगा कमेंट होगा मैं नहीं आ रहा हूँ। वो कहता मैं आ रहा हूँ, सबसे रोज आ रहा हूँ और काम भी चल रहा है, और फिर इसके कमेंट ऐसे आ रहे हैं। तो हाँ, तो भैया मन्नू अब आप ऐसा ना कहें भाई, उनकी अलग अलग तरह की ड्यूटी सौंपी गई है सबको, और भुट्टी भाई को देख रहे हो आप, वो लगा रहे हैं दनाई लगा रहे हैं, सारा इकट्ठा कर रहे हैं कूड़ा करकट, और जो ये लास्ट में आपको साफ दिखाई दे रहा है जो फिनिशिंग में, वो काम भुट्टी भाई का ही है। तो इसलिए आप तो जो है कमेंट करें, पूरा देखें उसको, सोचे समझे तो उसके बाद फिर कमेंट करें। हाँ वही तो, और रणजीत बाबू जो है उधर लगे हैं वो बड़े वाला वैसे हथियार चलाने में, और हमारा तो क्या कहना, हमें तो नींद भी पूरी नहीं हो रही लेकिन फिर भी आना ज़रूरी है। तो ये है देखो, ये ग्लव्स भी पहन के आया हूँ ये, और ग्लव्स में सारे चटकुट लग गए हैं मेरे, और वैसे खतरनाक हो जा रहा है। तो दोस्तों कम जगह पे भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि घनी झाड़ियां हैं आप लोग देख रहे हैं हम, और पूरी ऐसे बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं कि लोगों को भी आनंद आए देखने में, क्योंकि ऐसा ना लगे कि यार ये सफाई कैसी हुई है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सफाई चल रही है और आनंद आ रहा है, और अभी लोग बाग थोड़ा सा बीच बीच में आ जा रहे हैं, कोई वॉक करने आ रहा, कोई कैसे हमारा इंटरटेन कर रहे थोड़ा बहुत, वो फिर अपना चल दे रहे हैं, और हम जो है अपने सफाई अभियान में लगे रह रहे हैं। तो ये और रणुआ भाई कह रहे कि हमने यहाँ तक का कर रखा है, लेकिन इतना है ये थोड़ा सा झाल काफी खतरनाक है भी, तो इसको करते हैं। और धूप भी आ गई है अभी, धूप भी सही लग रही है।
तो दोस्तों आज हम सफाई में पहुंचे झिगड़िया बांध के पास में, ये रणजीत सिंह महला जी के शॉप तक का, और कल हम इससे आगे को बढ़ेंगे। और आजकल बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि ठंडे के दिन आ रहे हैं और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन वो जो है 8 बजे के बाद धूप आती है। तो तब तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल शाम को 7:30 बजे आपसे डेली ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।